सुल्तानपुर के कोतवाली नगर स्थित शास्त्रीनगर मोड़ के पास एक कुर्सी व गद्दे की गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। मोहल्ले वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस घटना को संदिग्ध मानते हुए पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना कोतवाली नगर अंतर्गत शास्त्रीनगर खैराबाद मोहल्ले की है। यहां पर 4 मंजिला इमारत में मोहम्मद अहमद की एके स्टील फर्नीचर की शॉप और गोदाम है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बनी गोदाम में आग लग गई। एकाएक आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते इसमें रखी कुर्सियां और गद्दे आदि जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी। जैसे ही टीम को सूचना मिली तत्काल 2 दमकल मौके पर पहुंची। स्थानीय कोतवाली की पुलिस भी मौके पहुंची और प्रयागराज अयोध्या रोड पर आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया। तब फायर टीम बगल की बिल्डिंग से ऊपर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से कितने का नुकसान हुआ और आग कैसे लगी, हर पहलू पर पुलिस पड़ताल कर रही है। भाई हमने जब आग लगी, हमारी सामने ही दुकान है और हमने थोड़ा सा धुआं उठ के देखा तो हमने आवाज़ लगाने की चिल्लाई। तब ऊपर जो मकान मालिक हैं एके स्टील वाले, उन्होंने छत पे खड़े हो गए और नीचे आने के लिए उनको इतना धुआं भर गया था कि वो नीचे आ नहीं पा रहे थे। उनको दूसरी छत से ऐसे चढ़ के उनको रेस्क्यू किया गया, उनको ऊपर से उतारा गया। उनका एक साथी और था कोई, उनको भी ऊपर से लाया गया और नीचे वाली 3 तल्ले में पूरी तरीके से आग लगी है, जिसमें अभी अभी तो कोई फंसे होने की जानकारी नहीं है। और अभी जो मकान मालिक ने बताया, कोई ऐसा कोई शक उसके अंदर नहीं है। मगर सबसे बड़ी दर्दनाक हादसे की बात ये हो सकती है कि अभी उसने 3 सिलेंडर रखे हैं और 2 ब्लास्ट कर चुके हैं और 1 रिफिल लगी हुई है चूल्हे पे, जो लगी है वो है। अभी 2 सिलेंडर दग चुके हैं, 2 बचे हैं। कोई हादसा ना हो पाए, यही पार्टी का 6 लग चुकी हैं, 6 पानी उठा चुकी है, मगर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। लगातार पार्टीगढ़ के कर्मी हमारे मोहल्लेवासी सब जुटे हुए हैं, मगर अभी आग पे काबू नहीं पाया जा सका। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज